फीलिंग इन रिलेशनशिप में एक भाव आता है गौरव का ग्लोरी का ग्लोरी इज द फीलिंग ऑफ हु हैज मेड एफर्स्ट एफर्ट्स फॉर एक्सीलेंस जिन्होंने श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया है उनके प्रति भाव गौरव है each one of us want to live with continuous happiness and prosperity. each one of us has the similar faculty of natural acceptance, has the same goal and program, and we have the same potential to realize this. the glory is the feeling of someone who has made effort for excellence we find that there has been people in the history or even around us who are investing their time energy and their belonging to achieve excellent excellence to understand and to live in harmony at all level of living ensuring continuity of happiness To make others excellent, this give us feeling of glory for them. जिन्होंने श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया है उनके प्रतिभाव जो है वो गौरव का भाव है जिन्होंने श्रेष्ठता के लिए काम किया है जिन्होंने जिस जिन्होंने सही समझ डेवलप की है जिन्होंने सही समझ डेवलप की है वो नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर चारों ऑर्डर में जीने जीने में जी रहे हैं ऐसे लोगों के अंदर जो श्रेष्ठता की फीलिंग है उनके प्रति जो श्रेष्ठता की फीलिंग है उनके वो एक श्रेष्ठ भाव है उन्होंने जो श्रेष्ठता प्राप्त की है उसके लिए जो हमारा भाव है वो गौरव है जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने समाज का मार्गदर्शन किया जैसे ए के अब्दुल कलाम विवेकानंद जी दयानंद सरस्वती इन सभी ने समाज के अंदर नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर कंटिन्यूस हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी के आधार पर इन चारों ऑर्डर्स में जीने का तरीका जिन्होंने सीखा है जिन्होंने समाज के अंदर जीने के तरीके को प्रस्तुत किया है ऐसे लोगों के प्रति भाव जो है हमारा वह गौरव का भाव इसके बाद आता है कृतज्ञता का भाव ग्रेटिट्यूज इज अ फीलिंग ऑफ एक्सी एक्सेप्टेंस फॉर दोज हैव मेड एफर्ट फॉर माई एक्सीलेंस जिन्होंने मेरी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया है उनके प्रतिभाव जिन्होंने मेरी श्रेष्ठता के लिए श्रेष्ठता के लिए काम किया है ऐसे लोगों के प्रति जो मेरा भाव है वह कृतज्ञता का भाव है वी अंडरस्टैंड दट ईच वन ऑफ एस हैज द सेम गोल ऑफ कंटिन्यूस हैपीनेस एंड प्रोस्पेरिटी ईच वन ऑफ एस हैज द वर्क टू वर्ड्स द इंक्रीजिंग अवर कॉम्पिटेंस टू रियलाइज और इंटेंसन एंड इन दिस प्रोसेस वी आर हेल्प And guided by others that have the right understanding. When we understand this, begin to recognize the feeling of ourselves. We feel gratitude in our relationship. Gratitude is the feeling of acceptance of those who have the made effort for my excellence. Today we find that the journey that we call as gratitude is a feeling common, coming out of assistance at the level of physical facility. This feeling is short lived since the physical facilities and the sensation we get from it is also short lived, but the gratitude come out of someone who doing something for my right understanding is permanent since the happiness we get from right understanding is permanent जो मेरे excellence के लिए संदेश है अध्यापक है अध्यापक मेरे excellence को improve करने के लिए जो एफर्ट कर रहा है तो उस अध्यापक के लिए हमारे मन में कृतज्ञता का भाव है जो हमें चारों ऑर्डर में जीने में सहयोग कर रहा है जो चारों ऑर्डर में जीने की समझ पैदा कर रहा है इसको इसमें सहयोग करना जो कर रहा है उस उसके प्रति हमारा क्या भाव रहेगा वह कृतज्ञता का भाव रहने वाला है तो कृतज्ञता का भाव क्या है जिन्होंने मेरी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया उनके प्रति मेरा भाव ये ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता कहलाता है धन्यवाद अब एक जो लास्ट पॉइंट रह जाता है इसमें वो रहता है जो अंतिम भाव है पूर्ण भाव जिसे कहते हैं वो है लव प्रेम द फीलिंग ऑफ बींग रिलेटेड टू आल इज लव और प्रेम हर एक को संबंधी के रूप में स्वीकारने का भाव जो है वो प्यार है लव है लव इज कार्ड द कंप्लीट वैल्यू सिंस दिस इज द फीलिंग ऑफ रिलेटेडनेस टू ऑल ह्यूमन बींग सभी मनुष्यों के, के प्रति सभी मनुष्यों के प्रति रिले रिलेटिव होने का जो भाव है फीलिंग ऑफ रिलेटेडनेस टू ऑल ह्यूमन बीइंग इज कार्ड लव दिस फीलिंग और द वैल्यू इज आल्सो कार्ड द कंप्लीट वैल्यू पूर्ण मूल्य सिंस दिस इज द फीलिंग ऑफ रिलेटेडनेस टू ऑल ह्यूमन ये पूर्ण वैल्यू है अगर हमारे अंदर सारे भाव हैं विश्वास सम्मान कृतज्ञता गौरव के अलावा श्रद्धा बात्सल्य ममता ये सब भाव हैं तो हम पूर्ण वैल्यू प्रेम की तरफ जा सकते हैं इट स्टार्ट विद आइडेंटिफाइंग दैट वन इज रिलेटेड टू अदर ह्यूमन बींग द फीलिंग ऑफ एफेक्शन एंड इट स्लोली एक्सपेंड टू द फीलिंग ऑफ बींग रिलेटेड टू ऑल ह्यूमन द फीलिंग ऑफ लव लीड्स टू एन ए अनडिवाइडेड सोसाइटी इट स्टार्ट फ्रॉम फैमिली एंड स्लोली एक्सपेंड टू दर्ल्ड फैमिली जिसके अंदर प्रेम का भाव है तो प्रेम का भाव ऐसे सारे भाव मिल के जो बन रहे हैं वो परिवार के अंदर एक रिलेटिव का भाव एक संबंधी के भाव के रूप में सामने आएंगे और ये सारे भाव परिवार के अंदर कंटिन्यूस हैपीनेस एंड प्रोस्पेरिटी का भाव लेकर आएंगे जब हमारे परिवार के अंदर कंटिन्यूस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी का भाव होगा तो ऐसा परिवार समाज के अंदर योगदान दे पाएगा और ऐसा परिवार समाज के अंदर भी कंटिन्यूस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी का भाव लेकर तो ये बड़ा परिवार हो जाएगा अभी एक छोटा परिवार है लेकिन जब समाज के में जाए समाज के में ये बड़ा परिवार हो जाएगा जिसको हम लोग कह सकते हैं अनडिवाइडेड सोसाइटी बड़ा परिवार हो जाए यहां पर अगर ये सब भाव हमारे अंदर हैं तो पूरे को हम पूरे समाज को परिवार के रूप में देख पाएंगे तो पूरा समाज जब परिवार के रूप में होगा तो वह अनडिवाइडेड सोसाइटी होगा आज समाज बिखरा हुआ है अगर हम देखें तो यह हमारी सहज स्वीकृति भी हर एक को संबंधी के रूप में स्वीकार करने का भाव सभी के अंदर नेचुरली है ये लाने की जरूरत नहीं है ये पहले से विद्यमान क्योंकि आप अपने आप से प्रश्न पूछिए कि आपकी क्या सहज स्वीकृति है क्या आप विरोधपूर्वक जीना चाहते हैं संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं तो प्रश्न का जवाब यही आने वाला है कि हर व्यक्ति संबंध पूर्वक ही जीना चाहता है। अगर संबंध पूर्वक जीना चाहता है तो फिर प्रश्न उठता है कि वह क्या एक के साथ संबंध पूर्वक जीना चाहता है अनेक के साथ संबंध पूर्वक जीना चाहता है या हर एक के साथ संबंध पूर्वक जीना चाहता है तो सही दिमाग में आता है कि हर व्यक्ति हर व्यक्ति के साथ पूर्वक जीना चाहता है तो जब ऐसा भाव है हर व्यक्ति हर व्यक्ति के साथ संबंधी पूर्वक जीना चाहता है तो यही भाव जो है प्रेम का भाव और हर व्यक्ति जब हर व्यक्ति के साथ संबंध पूर्वक जीना चाहता है तो यहीं से शुरू होता है अनडिवाइडेड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट और जब समाज अनडिवाइडेड है तो यहीं से बनता है विश्व परिवार द फीलिंग ऑफ लव लीड्स टू एन अनडिवाइडेड सोसाइटी इट इट स्टार्ट फ्रॉम ए फैमिली एंड स्लोली एक्सपेंड टू दी वर्ल्ड हम पूरे विश्व को परिवार के रूप में स्वीकार कर पाते हैं और अपने यहां तो भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से जनरेटेड है जब परिवार के अंदर हमारे ये सारे भाव हमारे अंदर हैं तो परिवार सुखी और समृद्ध है और सुखी समृद्ध परिवार समाज के अंदर सुखी समृद्ध को ले आ सकता है और इस तरीके से समाज भी सुखी समृद्ध होता है और अनडिवाइडेड सोसाइटी बनती है और अनडिवाइडेड सोसाइटी वर्ल्ड फैमिली के रूप में प्रस्तुत होती है द तो एवरी ह्यूमन बीइंग द नेचुरल एक्सेप्टेंट टू रिले अब to the word family in the form of love. We start with trust, trust, which become foundation of being related to one affection, and we reaches the state of being related to everyone love. हमने शुरुआत कहाँ से की थी? आधार मूल trust से और हम कहाँ तक पहुँचे? पूर्ण मूल्य प्रेम तक इट इज इट इज दिस फीलिंग ऑफ लव विच लेस डाउन द बेसिस ऑफ अनडिवाइडेड सोसाइटी तो आज मैंने आपके साथ डिस्कस क्या क्या किया आज मैंने गौरव कृतज्ञता और प्रेम को डिस्कस किया इस तरीके से फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप में संबंधों में जो भाव होने चाहिए आधार मूल्य से लेकर पूर्ण मूल्य तक ट्रस्ट से लेकर लव तक मैंने सारे डिस्कस किए हैं आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा इसको आप अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हार्मोनियम फ्रॉम फैमिली टू वर्ड फैमिली अनडिवाइडेड सोसाइटी धन्यवाद